Very good morning to all of you. Now we have to see least common multiple LCM of fourth unit. ठीक है. LCM, what is LCM? Least common multiple. Suppose this is the parallel concept of GCD, greatest common divisor. Greatest common divisor, you know very well. So similar. This is parallel to GCD. ठीक है, parallel to GCD. इन दोनों में रिलेशन जो, सपोज ए एंड बी आर टू इंटीजर, देन एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल ए कॉमा बी एंड जीसीडी ए कॉमा बी इक्वल टू ए टू बी, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड जीसीडी ऑफ टू नंबर्स. एंड नाउ वी हैव टू यूज इन दिस कॉन्सेप्ट एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम. यूक्लिडियन एल्गोरिथम वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर सक्सेसफुली. तो इसमें क्वेश्चन रहेगा, जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस टाइप के दे सकते हैं, फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम 143,227, फाइंड एलसीएम ऑफ 143,227. ठीक है, तो अब इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम जनरेट होती है. तो इसमें अपन ने कॉन्सेप्ट देखा है सिमिलर टू जीसीडी. जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर में भी कॉन्सेप्ट आता है. तो इसमें आप देखिएगा, फाइंड एलसीएम, सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं इसका. वी हैव टू स्टार्ट सॉल्यूशन by we know that by Euclidean algorithm क्या है ये 1227 इक्वल टू 143.1 प्लस 84. गॉट इट. एंड सिमिलर वे में अगर इसको सॉल्व करें 143 नेक्स्ट स्टेप बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम हम इसको ऐसा लिख सकते हैं. And 84 1 plus, अब यहां पे जो आएगा 84 को माइनस कर दीजिए इसमें से, तो कितना आ जाएगा 13 minus 4 9, फिर 3 13 minus 59. Got it. अब then again 84 59 into 1 plus here 9 14 14 minus 9 5 अब इधर 7 2
2.25. अगेन वी कैन राइट, ये एल्गोरिथम से हम कर रहे हैं बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम, 59 ये इधर आता है और ये इस तरफ आ जाएगा 25. अब यहाँ पे 2 कर सकते हैं, 25 इंटू 2 यूक्लिडियन एल्गोरिथम पुट अप कर दो कौन सा, तो यहाँ पे 50 प्लस 9, अगेन 25, 9 इंटू 2 प्लस 7, एंड अगेन 9 7 इंटू 1 प्लस 2, एंड नाउ 2 7 2 इंटू 3 प्लस 1, एंड 2 1 इंटू 2 प्लस 0. नॉन जीरो रिमाइंडर इज 1, सिंस नॉन जीरो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. नॉन जीरो रिमाइंडर, नॉन जीरो रिमाइंडर 1, देयरफॉर जीसीडी ऑफ एबी 143, ठीक है, 143 227, ठीक है, जीसीडी ऑफ क्या आ जाएगा 1, ठीक है. यहां पर आप देखिएगा ये हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम लगा के पूरा किया, जीसीडी फाइंड किया. अब वी नो दैट, वी नो आल्सो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन जीसीडी एंड एलसीएम इज जीसीडी ऑफ 143 227, एलसीएम 143 227 इक्वल टू 143 इंटू 227 क्या आएगा, क्योंकि हमने दोनों के बीच में रिलेशन देखी, ये फॉर्मूला लगाया हमने, एलसीएम ए बी जी सी डी ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, क्योंकि ए बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू दिस वन, बी की वैल्यू दिस वन, इंटू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला लगा हुआ एलसीएम ए बी रिलेशन बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट. तो यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 143 227 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कितना आता है आप करके लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इसमें मल्टीप्लीकेशन आता है 32461, ठीक है, तो यहां पर डिवाइड बाय जीसीडी 143 227. अब इसकी वैल्यू कितनी है, एलसीएम 143 227 इक्वल टू 32461 डिवाइड बाय 1, देयरफॉर एलसीएम 143 227 इक्वल टू 32461, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू. ये आपका
एक रिक्वायर्ड वैल्यू किया क्या है हमने पहले समझ लीजिए। पहले क्या है टू नंबर, पहले बोला लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता है, एलसीएम पैरेलल टू जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। वी कैन राइट, वी नो दैट सपोज ए एंड बी आर टू इंटीजर, देन एलसीएम ऑफ ए बी डॉट जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू ए टू बी। वी नो दैट बाय द थ्योरम ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसका यूज करके फाइंड करना है, प्रॉब्लम है हमारे पास है क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम 143.227। वी नो दैट बाय द यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम का हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है। अब नॉन जीरो फैक्टर जहां पे भी आता है रिमाइंडर, उसके हिसाब से हमने जीसीडी लिख दिया, दैट मींस डी की वैल्यू आ गई। अब दोनों पे रिलेशन ये होता है, तो हमने इसकी वैल्यू 1 रख दिया यहां पर, तो 1 रख दिया तो इसका एलसीएम इक्वल टू दिस वन। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई बहुत टफ और ये कॉन्सेप्ट नहीं है। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, यूज द यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू ऑब्टेन इंटीजर एक्स एंड वाई, यूज द यूक्लिडियन एल्गोरिथम फाइंड the value of x and y, x and y where ये दिया हुआ है GCD of, इस क्वेश्चन है GCD of 5672 equal to 56x into 72y, 56x into 72y, ठीक है, ध्यान से रखिए, देखिएगा आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला तो आपको यूज द यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम का कर यूज करना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीजर x एंड y, वेयर GCD 56x plus 72y। अब इसमें हमको सिंपल कॉन्सेप्ट पहले जो दिया है ना उसको लिख देते हैं, गिवन जीसीडी 5672 equal to 56x plus 72y, ये दिया हुआ है, इसको हमने इक्वेशन क्या आपके एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। अब जीसीडी फाइंड करेंगे हम इस एल्गोरिथम का यूज करके, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, तो बाय फर्स्ट वी फाइंड जीसीडी 5672 बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम ठीक है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम यहां पे क्या आ जाएगा 72 equal to 56 into 1 ठीक प्लस 16 ठीक है। अब यहां पे आप देखिएगा 56 into 16 into 3 plus 8 ठीक है। अब यहां पे देखिए आप
16 इंटू थ्री 8, सेकेंड कॉन्सेप्ट में लिया है। वापस इसको हम करते हैं तो 16 इक्वल टू 8 इंटू टू प्लस 0, दैट इज जीसीडी ऑफ 56 72 इक्वल टू 8। ये क्लियर हो गया, हमने इसको दे दिया इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 दे दिया हमने जीसीडी फाइंड करके, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। आप जनरली जब अपन देखेंगे इसको अपन इक्वेशन 3 दे दें तो बेटर रहेगा, इक्वेशन 2 हम इसको दे दें, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ठीक है। अब आप देखिएगा बाय इक्वेशन 1 एंड 3, बाय इक्वेशन 1 एंड 3 क्या होगा, 56 8 इक्वल टू 56 एक्स प्लस 72 वाई, ठीक है। यहां पे अब हमको जो इक्वेशन आया इसको हमने इक्वेशन 4 दे दिया। अब आप देखिएगा बाय इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं हम, 8 इक्वल टू 56 माइनस 16 इंटू 3, बाय इक्वेशन 2 हम ये लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए 56 माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को 72 माइनस 56 इंटू 3, 16 को 72 माइनस 56, अब यहाँ पे क्या जाएगा 56 माइनस 3 का मल्टीपल करते हैं हम अंदर 72 इंटू 3 माइनस 56 इंटू 3, ये आ जाएगा 56 माइनस 72 इंटू 3 प्लस 56 इंटू 3। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो आप देखिएगा सपोज 8 इक्वल टू 56, ये भी पॉजिटिव है, ये 56 इंटू 1 हो सकता है, ये 1 होगा ना, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 56 इंटू 4 माइनस 72 इंटू 3। अब आप देखिए इस इक्वेशन को हम फिफ्थ इक्वेशन या और इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं, 8 इक्वल टू 56 इंटू 4 माइनस 72 प्लस 72 इंटू माइनस 3 कर सकते हैं, क्योंकि माइनस को हमने 3 के साथ ले लिया, अल्टीमेट वो आंसर तो वही आएगा। तो यहाँ पे इसको हम इक्वेशन दे देते हैं फिर। अब इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करते हैं, तो बाय इक्वेशन 4 एंड 5, बाय इक्वेशन 4 एंड 5 क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू माइनस 3, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर प्रॉब्लम, विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, क्लियर हुआ होगा, काफी इजी है, ऐसा कुछ को नहीं है, थोड़ा सा यूज करना कॉन्सेप्ट, अगर इक्वेशन दे दिया हमने तो काफी इजी वे में आ सकता है। तो फाइंड द यूज द यूक्लिडियन एल्गोरिथम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर जीसीडी इक्वल टू 56 72, 56 इनटू 56x + 72y, जो दिया है हमने उसको लिखा, जीसीडी फाइंड कर दिया यूक्लिडियन एल्गोरिथम से, उसको इक्वेशन प्रॉपर दे दिया जिसका आपको यूज करना है, फिर इक्वेशन 1 एंड 3 लिखा है हमने, इक्वेशन 1 एंड 3 तो आपको समझ में आ जाएगा, इक्वेशन 4 दे दिया, फिर वापस से इक्वेशन 2 से हमने इसको ऐसा लिखा, और फिर यहाँ पे 16 को, यहाँ पे का ध्यान रखना 16 को हमने ये पुट किया है क्योंकि इसका डिफरेंस 16 आता है, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग 16 इक्वल टू 72 माइनस 56,
अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन गेट 8 इक्वल टू 56 इनटू 4 प्लस 7 इक्वल टू माइनस 3। अब बाय इक्वेशन 5 एंड 4, 5th एंड 4 क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू माइनस 3 व्हिच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन। तो इसको अच्छे से कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं।